परिवर्तन का एक ऐसा दौर जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नए भारत के निर्माण के 8 साल, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण से लेकर हर घर में आजीविका तक, ये विचार है पोषण से लेकर पेंशन की व्यवस्था पूर्ति का। बात एजुकेशन रिफॉर्म्स की हो या हर घर में लगी गैस बिजली की, सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली मेक इन इंडिया मूवमेंट की मिसाल से लेकर भारत का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करने तक, एक अटूट ताकत की लहर, ये कहानी है नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया विजन की। साथियों, बीते 8 साल के दौरान देश में अनेक बड़े काम, इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिनमें मूल में बिहेवियरल चेंज। मैं जन नीति से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, जन सामान्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ इंसान। हाँ, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन की सोच जिसकी नींव पर हो रहा है नए भारत का निर्माण, एक ऐसी सोच, हाँ हम कर सकते हैं। आइए इस यात्रा की एक झलक देखें उनके शब्दों में जो इसके साक्षी रहे हैं। स्वच्छ भारत का 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक अभियान हुआ। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आप मेरे कार्यालय के पीछे वाला भी हिस्सा देखिए, साउथ लॉग में, वहाँ पे भी बहुत सारा जंक पड़ा है, राइटली सो। जब हमने देखा नीचे, हम गए जो बेसमेंट में, तो रास्ता ही बंद था, कॉरिडोर चोक्ड था। जब सफाई शुरू की तो उसमें से इन्होंने हमें कहा था कि आपको वहाँ पर कई जगह 3 टांगों वाली कुर्सी दिखेगी, 2 टांगों वाला मेज दिखेगा। वाकई, और सब इतने उत्साहित हुए, कंप्यूटर्स के स्क्रीन पड़े खराब हुए तो साहब के टेबल से उठा के वहाँ फेंक दिए। एंड कैन यू इमेजिन, उस सब को जब मार्केट में बेचा गया या डिस्पोज ऑफ किया तो वी अर्न 62 करोड़, विच इज डिपॉजिटेड। सो आई थिंक दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। पता लगा कि प्रधानमंत्री जी लंच के टाइम उन्होंने कहा कि मैं खाना जो है कैंटीन में खाऊंगा, बाहर जो लोग जो है जो चीज़ जो है वो 100 रुपए की प्लेट खा रहे हैं, 50 की खा रहे हैं, और यहाँ पे 10 रुपए की, 8 रुपए की मिल रही, क्या है, हम कौन से प्रिविलेज क्लास के लोग हो गए, ये बंद होना चाहिए। और एकदम उन्होंने सब्सिडी जो है उस दिन से क्लोज़ हो गई, MPs की जो कैंटीन की सब्सिडी होती थी वो बंद हो गई। फिर उसी के साथ लाल बत्ती कल्चर, जो कि लाल बत्ती जो है वो नेताओं के रोप का एक प्रतीक बन गया था, वो लाल बत्ती कल्चर उन्होंने बंद किया। जब हम SOCHM का, जब मैं प्रेसिडेंट था, तो 5 trillion की बात हो रही थी 2025 की। अब वो डिफिकल्टी नहीं लग रहा, उसको तो लग रहा था कहाँ 1 trillion से 5 trillion की बात कर रहे हो आप, क्या बातें कर रहे हैं मोदी जी, 5 trillion तो लगता है 2024 में ही हो जाएगा। तो ये विजन तो उस दिन तो ये इट वॉज लुक लाइक अ मार्केटिंग टॉक। तो उस दिन में उन्होंने यही बोला था कि $5 trillion करना है तो हमको MSME को साथ में लाना पड़ेगा, हमको फार्मिंग इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और कैसे बढ़ेगी इनका, और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। तो आज वो हो गया। PPE सूट हमारे देश में कभी नहीं बना था, मार्च का महीना था जब लॉकडाउन घोषित हुआ, और तब तक हिंदुस्तान सिर्फ सालाना 50,000 से 55,000 PPE सूट्स इंपोर्ट करता था, क्योंकि हमारे पास ना रॉ मटेरियल था ना मशीन थी। मुझे याद है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कम से कम 5-6 मंत्रालय अपार्ट फ्रॉम हेल्थ, हम सब इकट्ठे हुए, भाई मुझे कपड़ा चाहिए तो कहाँ से आएगा, मुझे मशीन चाहिए। तो मुझे याद है एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी, हमने कहा भाई प्लेन चला दोगे, एक जापान से हमको 30 मशीनें लानी हैं। तो कैसे एक सरकार इकट्ठी आती है विषम परिस्थिति में, उसका मैंने जीता जागता मोदी जी के नेतृत्व में उदाहरण देखा है। एक एनुअल DG IG कॉन्फ्रेंस होते हैं, पुलिस के टॉप ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हर साल ये मीटिंग होते हैं मगर दिल्ली में ही होते हैं, अब से ये दिल्ली से बाहर जाना चाहिए और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। दिल्ली में सब आएंगे तो तितर बितर हो जाता है, और भी काम होते हैं, कहीं और ले जाएंगे तो कंसंट्रेशन होगा। सबसे पहले गुवाहाटी ले गए और गुवाहाटी में उन्होंने पहली बार सारा DG को मैसेज भेजा कि आप इस ड्रेस में आना है और मीटिंग लंबा चलेगी और पूरा सब्जेक्ट वाइज उसका अध्ययन होगा। तो पहले तो DG कॉन्फ्रेंस में लोग एक दिन आते हैं, प्रधानमंत्री आधा घंटे के लिए आके भाषण देके खत्म होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री 3 दिन साथ में रहे, 3 दिन इतना इंटेंसिव मीटिंग,
ये अधिकारियों ने, पुलिस ऑफिसर ने भी कभी नहीं सोचा कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होते हैं जो 3 दिन साथ रहते हैं और एक एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। बट हमको कहा गया कि डिजिटल इंडिया का प्रारूप बनाइए, प्रोजेक्ट का कंपाइलेशन करके उनके सामने हमने प्रस्तुत किया। तुरंत जवाब आया कि ये नहीं है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब है आप प्रोजेक्ट मत बनाइए, इसका विजन बताइए, डिजिटल इंडिया क्या करेगा और डिजिटल इंडिया के कौन कौन से आयाम होंगे और डिजिटल इंडिया का खर्चा और उसकी बात मत कीजिए, आपका क्या विजन है। तो हम लोगों का एकदम बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया। तब हम लोगों ने ये निकाला कि भाई डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य होना चाहिए टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। पहली बार मैंने देखा कि एक प्रस्तुतिकरण देखकर कन्विंस्ड होकर प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा कि अप्रूव कर दिया। हमें ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप करेंगे दिया गया कि इस स्कीम में हमने कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखा और हमने इसको पानीपत में लॉन्च करा था हरियाणा में। तो उस वक्त जब पीएम आए इनॉग्रेशन करने को तो उन्होंने यही बात बोली थी, दिस इज़ द फोर्थ बैटल ऑफ पानीपत एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव सक्सीडेड। स्टेशन के ऊपर उनका हमेशा कहना था कि जो भारतीय रेल के जो स्टेशन होने चाहिए वो साफ सुथरे तो होनी चाहिए, उसमें हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि रेलवे स्टेशन के जो आसपास लोग रहते हैं उनको एक रेलवे स्टेशन पे आने जाने की सुविधा के साथ बाकी चीज़ें भी मिले, इंटरटेनमेंट का मिले और अगर कोई रेस्टोरेंट हो, कोई शॉपिंग मॉल हो या उस आसपास के एरिया के रहने वाले लोग अपना प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें तो वो डिस्प्ले कर पाएं। देयर वाज वन मीटिंग व्हिच वाज शेड्यूल्ड फॉर प्रोबब्ली इट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई वेयर वी वाज इट वाज शेड्यूल्ड ओनली फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। दिस वाज जस्ट बिफोर द वर्ल्ड न्यू दैट देयर कैन बी अ वैक्सीन, देयर कुड बी अ वैक्सीन, देयर इज अ वायरस। आई मीन दिस इज दैट इज व्हेन ही कन्वीन दैट मीटिंग एट व्हिच ही सेड प्लीज गो अहेड, whatever all support will be provided by the government, please go ahead and develop this vaccine. अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि आप इनकी ट्रेनिंग का पैसा देते हो, कोचिंग का, खाने पीने का सबका पैसा देते हो, ट्रैवलिंग का पैसा देते हो, लेकिन इनकी जेब खर्च का पैसा कौन देगा, क्योंकि ये तो सब साधारण परिवार से आते हैं। हमने भी सोचा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपये इनको प्रति माह देना शुरू करिए और उससे इतना बड़ा फ़र्क हुआ कि खिलाड़ी मुझे आके बोलते थे कि सर आज तक तो हमारे माता पिता या जो अड़ोस पड़ोस के सब बोलते थे क्यों समय अपना बर्बाद कर रहे हो खेलों में कि जहाँ पैसा खर्च ही होता है। आज पहली बार है कि वो पीठ थपथपा के बोल रहे हैं कि जा बेटा और खेल। कांग्रेस का समय में लुक इस पॉलिसी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखो, मोदी जी आने का बाद कहा कि ये लुक इससे होता नहीं है, अब एक इस पॉलिसी टू लेन होता नहीं था, हमारा वहाँ सिंगल लेन, आज कहीं ऐसा सड़क नहीं है मोदी जी आने का बाद, एक इस पॉलिसी को लागू करने के बाद मोदी जी आने का बाद आसाम बॉर्डर से लेके साइना बॉर्डर तक टू लेन। काशी विश्वनाथ मंदिर के एरिया को सुधार के अच्छा करना चाहिए, सबसे पहले बात तो गांधी जी ने की थी 1916 में, तब से अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, 100 साल निकल गए थे। सो 2016 2017 18 में जब ये प्राइम मिनिस्टर ने हाथ में लिया ये प्रोजेक्ट कि भाई इसको इम्प्रूव करो एरिया, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि देखो वैसा ही है, गंदगी में छोटी छोटी गलियों में से होके जाना था, वही वैसी उसकी हालत है। इतने सालों के बाद भी यही याद रहता है वाराणसी कि हम ये मंदिर पे गए थे, और ये विस्तार की भी सोचो कि यही याद है कि बहुत गीच था, बहुत गंदगी थी, उसमें से होके बहुत कठिन था रास्ता और जाना होता था। तो आपने कुछ ऐसा करना है, उसको सुधारना है, उसको बहुत ही बढ़िया था, और ये भी बताया कि कुछ जल में करना है। एक उत्सव, एक उपलब्धि, एक कामयाबी, ये एक इंसान की कहानी नहीं है, ये है भारत की सफलता की यात्रा, ये है श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संरेखित न्यू इंडिया के स्थापन का जश्न, ये आरंभ है संकल्प से सिद्धि की यात्रा का।